ग्राम कछरवार के निवासी पहलू रजक ने जब अच्छा बारिश होने से उन 15 खाड़ी से लेकर 20 खाड़ी तक धान गाहते थे, लेकिन 2015 में बारिश कम होने के कारण उनका फसल नुकसान हुआ, जिसमें उतने खेत में उन लोगों ने 2 खाड़ी के लगभग धान उनका निकलेगा। ऐसी समस्या से यहाँ के 150 मोटे किसान और 45 छोटे किसान, और ऐसे फसल न होने के कारण यहाँ के मजदूरों को भी घाटा लगा है। ये खेत में आप क्या लगाएं? धान। तो इस साल धान कैसा है? धान में कुछ नहीं, पैरा काट रहे हैं। और जैसे वर्षा होती तो आप कितना गाह लेते थे इसमें? कम से कम 10-15 खाड़ी। और इस साल कितना निकलेगा लगभग? हो सकता है कि 10 खाड़ी निकले। जैसे इस स्थिति है तो आपके क्षेत्र में कौन कौन से गांव ऐसे लगभग हैं कि इसी स्थिति में है? ये बहुत से गांव हैं, खेरवा, तखतपुर, बड़ेरी, कछरवार, अचला, धनवाही और तुम्हारे कछरा टोला, लोढ़ा, ये सब अपने यहाँ, लगवारी, सलैया, यहाँ कोई फसल नहीं है। 1000 रुपये करीब तो बीज खरीद के लाए, 1000 रुपये का कम से कम खाद बीज, 1000-2000 का वो लगाएं, किसान मजदूरी जौन लगान वो अलग लगाएं। अब तक हम ही मामा सब हाँ सिलाई जीरो है। जैसे यहाँ वर्षा नहीं होने से कौन कौन फसल नुकसान हुए? यहाँ केवल कुछ न कुछ रुपया में 8-9 भुट्टा आया है आधा, और बाकी हर फसल की नुकसानी है। जैसे धान है, कोदो है, राहर है, इनमें सब में नुकसान है पानी बिन का। यहाँ मुआवजा लिखे हैं? हाँ, मुआवजा तो लिखा है। कब लिखे थे लगभग? लगभग कम से कम 10-15 दिन हुई। तो आप मान लो, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे इस फसल के हिसाब में कैसा मुआवजा मिलना चाहिए? भाई, मुआवजा ऐसा मिलो चाहिए कि कम से कम संतोष हमारे हो जाए। और लागत तो बहुत लगा थी, लेकिन वो तो सरकार के ऊपर है। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि उमरिया ज़िले के कलेक्टर कृष्ण गोपाल तिवारी जी का जो ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00, इस नंबर पे कॉल करके इन अधिकारियों पे दबाव बनाएं और यहाँ के सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलाने में मदद करें। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर, ब्लॉक करकेली, ज़िला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।